नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल SSC एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज SSC MTS में पूछे गए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो एग्जैक्ट क्वेश्चन का मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। अभी कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं जो कि हमें कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया है, जो जिन्हों के आज एग्ज़ाम थे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका एक क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए एक डिस्काउंट का क्वेश्चन लाया है कि खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों की अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है। आप यहाँ पे सोच रहे हो कि हमें कुछ रुपीज़ में तो कुछ दिया ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, बट ये काफ़ी इजी है, नो कैलकुलेशन, आपका एकदम इजी है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम टेक करेगा ये क्वेश्चन। कैसे तो कह रहा है आपके इस क्वेश्चन के बस लॉजिक को समझिए। कह रहा है कि एक जो कंपनी है वो एक खुदरा व्यापारी को माल बेचती है और उसमें क्या करती है कि उत्पादन में जो अंकित मूल्य देती है उससे 30% की छूट पर एक खुदरा व्यापारी को बेच देती है। पर खुदरा व्यापारी एक चालाकी करता है कि वो जब भी किसी को बेचता है वही सामान बेचता है, वही माल किसी को बेच रहा है। जैसे कि आप दुकान में गए तो आपको दिया हुआ है कि आपको दुकान वाले को तो कम ही प्राइस में कोई भी चीज़ आती है, बट आपको क्या बोलता है कि इसमें मैं आपको 46 दिया हो रहा था अगर रुपीज़, तो 46 रुपीज़ में ही दे देता, हो सकता है उसे 42 में ही पड़े हो। इस तरीके के होते हैं। तो जैसे कि एक कंपनी एक खुदरा व्यापारी को 30% की छूट पे देगा तो खुदरा व्यापारी उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर ही बेच देता, यानी जितना प्राइस टैग था उतना पे बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में मान लो कि उस पर जो हमारा खुद अंकित मूल्य था, जितना टैग था वो कितना था, तो 100 यूनिट। अगर खुदरा व्यापारी उसे 30% छूट पर खरीदा, बिकॉज अगर कंपनी उसे खुदरा व्यापारी को बेचता, यानी खुदरा व्यापारी ने इसे खरीदा कितने के छूट पे, तो ये सारे लॉजिक आपको समझने होंगे। 30% के छूट पे यानी 70 में खरीदा। तो आप ये नहीं सोचो कि ये आप इसमें क्या करते हो, स्टूडेंट्स हर बड़ाहट में क्या करते थे कि इसे सेलिंग प्राइस मान लेते, इसे कॉस्ट प्राइस या फिर समथिंग इसी टाइप की दिक्कतें कर लेते हैं। बट ये आप याद रखो कि ये कंपनी वाले के लिए तो ये हो गया, ये कंपनी वाले के लिए सेलिंग प्राइस हो गया, बट आपसे खुदरा व्यापारी का लाभ पूछ रहा है तो खुदरा व्यापारी के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस ही है। तो 70 रुपये में वो खरीदा, बट कह रहा है कि खुदरा व्यापारी जो है उस उत्पाद को अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी 100 यूनिट में ही बेचता है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि कितने की उसे प्रॉफिट हुई, तो 30 यूनिट की हुई। तो हमसे पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट, तो 30 डिवाइडेड बाय, आपको पता होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब भी हम निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे, तो 30 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया 300/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो हम इसे कह सकते हैं 42/6/7%, जो आपका एग्ज़ाम में ऑप्शन हो, इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब मैं ये आपको बता दूं कि इसके डाटा एग्जैक्ट हो ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इसके डाटा एग्जैक्ट है, तो आप इन सारे छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक CI का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के आपके 3-4 तरीके हो जाते हैं। एक तो सबसे पहले स्टूडेंट सोचते हैं कि हम फॉर्मूले लगा दें, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+rate/100 टू दी पावर n, बट ये आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया, इसमें आपको सॉल्यूशन जाते हैं, थोड़ा सा माइंड में स्टूडेंट्स कभी कभी कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करो कि 2000 रुपये दिया हुआ है और 2420 रुपये दिया हुआ है, यहाँ से इसका CI निकाल लो। तो CI हमारा कितना हो गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 420 रुपये हमारा CI हो गया। अब आप प्रिंसिपल पे 10% बोल रहा है तो आप 10% इंटरेस्ट ले लो, तो शुरू का 10% इंटरेस्ट लिया तो 200, फिर से आप 10% इंटरेस्ट लो तो 20, फिर से इसी तरीके से लेते जाओ, तो 10 जितना तक आपसे संभव है इतना तक हमने लिया। अब आपको इसके लिए 2-3 रेशियो याद रखने होंगे कि अगर 2 ईयर्स के लिए तो 2:1 होगा, 3 ईयर्स के लिए तो 3:3:1 होगा, 4 ईयर्स के लिए तो 4:6:4:1 होगा। अब आपको क्या देखने हैं कि ये हमारा CI है 420, ये हम
और हम आप इसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बना लो। आप मानो कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसे हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 400 के लगभग आ जाए, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो 2 से। अब आप इसे 2:1 पे चेक कर लो, तो 2:1 पे हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 200, तो 2 × 200 प्लस सेकेंड ईयर का 1:20, तो ये आपका 420 आ गया, यानी कि ये हमारा कितना हो गया तो 2 ईयर्स। अगर आपके ऑप्शंस, अगर आपके क्या होते कि आपके 600 से ज़्यादा होते तो आप यहाँ पे 3 से 200 मल्टीप्लाई होता तो आप इस पे चेक कर सकते थे, 800 से ज़्यादा होते तो आप इस वाले रेशियो पे चेक कर सकते थे, वही आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आपका टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कि एक गाड़ी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी 210 मिनट में तय करती है, 80 किलोमीटर पर आवर की गति से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसे बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को हमेशा देखने होते हैं। इसमें आप क्या करो कि आपको पता है कि वही दूरी बोल रहा है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल भी सकते हो या नहीं भी निकाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डिस्टेंस हमने निकाला तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा 60 × 210 किलोमीटर। अब आपको इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही छोड़ दो। और सेकेंड हमारा स्पीड दे रखा है, सेकेंड स्पीड आपको दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की गति से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस तो आपका सेम ही रह गया, तो टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस वाई स्पीड, यानी 60 × 210 / 80 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 3×2 = 6, ये 4×2 = 8। इस तरीके से आप इसे टोटली सॉल्व करके देखो तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो इसे अगर हम अच्छे, सॉरी ये आपका 3×2 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। इसे अच्छे तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 × 210, यहाँ पे आपका मिनट में था तो इसे हमें सेकेंड में चेंज करने पड़ेंगे, तो सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, 60 से डिवाइड, तो ये तो आपका 60 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हमारा 60 कैंसिल हो गया। तो इसे आप अलग से, मैं इसे आपको फिर से सॉल्व करके बता देती हूँ, ये हमारा कितना हो गया, 60 आपका कैंसिल हो गया, तो हमारा डिस्टेंस आ गया कितना, तो 210 किलोमीटर। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 210/80, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया 21/8 आवर। तो ये हमारा कितना हो गया 21/8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछता तो 8×2 = 16, 2 and 5/8 आपको हो जाता 2 and 5/8 आवर। जैसा आपका आंसर होगा आप उस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पे कन्फ्यूजिंग गलत कर दिया कि आपको मिनट दिया हुआ था, हमने इसे आवर में नहीं चेंज किया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स को हड़बड़ी में हो जाते हैं, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 160 के 15% में कितना जोड़े कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो। तो इसे अब हम क्या करेंगे, अब मान लो कि हम x जोड़ेंगे तो 160 के 15% में हम कितना जोड़े कि हमारा 240 के 25% के बराबर हो जाएगा, तो 160 × 15/100 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया, तो 240 × 25/100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ताकि हमारा अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए, जो आपको सबसे इजी मेथड लगता है आप उससे इसे सॉल्व कर सकते हो। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 × 15 हो गया, ये 5×2 = 10, तो ये हो गया 8×2 = 16, यानी 24 प्लस एक्स इक्वल टू ये 25×100 और ये 60 हो गया, तो 24 प्लस एक्स इक्वल टू 60 आ गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, तो आपका आ गया 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन एक और दिया था आपको कि एक व्यापारी जो है एक वस्तु, यहाँ पे आपका वस्तु लिखा हुआ था, को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है, यदि उसे उस वस्तु पर 476 रुपये मिले ये आपका, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ये सब आपके टाइपिंग मिस्टेक थोड़े बहुत हो गए थे, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। तो कह रहा है कि एक व्यापारी जो है एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है, तो यदि उसे उस वस्तु पर 476 रुपये मिले तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें करने क्या है, कह रहा है कि 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है, तो यहाँ से हम डिस्काउंट, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे। ये तो आपका 30% और 50%, फिर आपको इन सारे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से इसका एक प्रॉपर डिस्काउंट निकाल लेते हैं जो कि दोनों को मिला के डिस्काउंट हो जाए। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट डिस्काउंट आपका 30 हो गया,
प्लस सेकेंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई 100। अब आप इसे सॉल्व करके देखो, ये जो हो जाएगा वही हमारा हो जाएगा 45 माइनस 0 से 0 कैंसिल यानी 4.5, तो हमारा क्या हो गया, तो 40.5% हमारा टोटल डिस्काउंट ये दोनों को मिला के जो हमारा डिस्काउंट होता है वो 40.5% हो गया। अब कह रहे कि एक व्यापारी जो एक वस्तु को बेचता है तो उसे उस वस्तु पर 476 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अब आप मान लो कि हमने उस वस्तु को खरीदा 100 यूनिट पे और उसे डिस्काउंट दिया कितने में, तो 40.5% का डिस्काउंट दिया, यानी हमने इस वस्तु को बेचा कितने में, तो 59.5 में। बट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हमने बेचा 476 रुपये में, यानी कि 59.5 यूनिट जो हमारे बराबर है किसके, तो 476 रुपये के। तो आप यहाँ से निकालो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 100 यूनिट इक्वल टू हो गया RS 476 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 59.5, सॉरी यहाँ पे आपका 59.5 हो जाएगा। अब 59.5 हो गया तो यहाँ से हमने पॉइंट को हटा के ऊपर जीरो डाल दिया। अब आप इसे सॉल्व करो, जो हमारा आंसर होगा वही हो जाएगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 5 से सॉल्व किया, तो ये हमारा क्या हो गया, तो 1 एंड ये 9 हो गया, एंड इसे 5 से सॉल्व किया तो 2। अब आप 119 को 476 से डिवाइड करो तो 4 बार में डिवाइड होगा तो हमारा आ गया 800 रुपये, यानी कि कितना हो गया 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताएं। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।